अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटास्टिक लाइफ ऑफ होम। आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बना रही दोस्तों आंध्रा स्पेशल देसी मटन करी। तो चलिए दोस्तों रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वन केजी मटन पीसेस को ले ली हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पे। टू ऑनियन को बड़े पीसेस में चॉप करके रख ली हूँ। 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक, 2 टेबलस्पून ऑयल। मटन पीसेस को मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर ली दोस्तों। क्लीन कर लेने के बाद एक कुकर में मटन पीसेस को ऐड कर लेंगे। मटन पीसेस को ऐड कर लेने के बाद 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट को भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों इसी टाइम पे। 2 ऑनियन को बड़े पीसेस में चॉप करके रख ली थी ना दोस्तों, ऑनियंस को भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। हाफ टेबल स्पून टर्मरिक को भी ऐड कर लेंगे दोस्तों। टू टेबल स्पून ऑयल को भी ऐड कर लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। कर लेने के बाद इसमें 1 ग्लास वाटर को भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। 1 ग्लास वाटर ऐड कर लेने के बाद इसका लिड लगा के 3 विजिल्स आए तक इसको अच्छे से पका लेंगे दोस्तों। थोड़े जिंजर गार्लिक को ले ली दोस्तों, इसको पेस्ट जैसा बना लेंगे हमें। मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। हैबिट धनिया, लहसुन, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग को ले ली दोस्तों, इसको भी एक पाउडर जैसा बना लेंगे। 2-3 हरी मिर्ची, 1 टमाटर को बारीक से चॉप करके रखिए दोस्तों। दोस्तों कुकर काट के देख लेंगे दोस्तों, मटन अच्छे से पक गया दोस्तों। अभी इसमें जिंजर गार्लिक और कोकोनट पेस्ट को भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों इसी टाइम पे। 2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर को भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। 1 टमाटर को बारीक सा चॉप कर ली थी ना दोस्तों, वो भी ऐड कर लेंगे। 2-3 ग्रीन चिलीज को भी हम ऐड कर लेंगे इसी टाइम पे। ग्राउंड नट ऑयल को भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों इसी टाइम पे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी भी ऐड कर लीजिए। पानी ऐड कर लेने के बाद 1/2 आवर तक इसको अच्छे से पका लेंगे दोस्तों। दोस्तों 1/2 आवर के बाद अच्छे से बन गया दोस्तों। इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर को भी हम डाल लेंगे। डालने के और 5 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे दोस्तों। हमारा आंध्रा स्पेशल देसी मटन करी रेडी है दोस्तों। आप भी अपना घर में जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मजेदार डिश है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए।